वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन पैरासाइटोलॉजी, यानी पैरासाइटोलॉजी के ऊपर है। और पैरासाइटोलॉजी में किसके ऊपर है? निमटोड्स के ऊपर। और निमटोड्स का दूसरा नाम होता है राउंड वर्म या एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। और एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स एक इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, जिससे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है लैब डायग्नोसिस के ऊपर। तो इसलिए क्या इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, इसके लाइफ साइकिल पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, आपने ऑफलाइन क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? तो पैरासाइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी मलेरिया, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका पढ़ा था पूरा पैरासाइट, जीआरडिया लेम्बेलिया पढ़ा था, लिस्मानिया डोनोवेनाई पढ़ा था, टीनिया सेग्नेटा और टीनिया सोलियम पढ़ा था। ये सारे पैरासाइट और पैरासाइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन, आपने इनकी लाइफ साइकिल, इनकी पैथोजेनेसिस और इनकी लाइफ डायग्नोसिस, ये सारे टॉपिक्स आपने ऑफलाइन क्लासेस में कंप्लीट कर लिए थे। सिर्फ पेंडिंग क्या था? ओनली दो पैरासाइट पेंडिंग आपके, एक तो एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स यानी राउंड वर्म, और एक क्या है? हुक वर्म यानी एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनाई। तो ये दो प्रकार के क्या हैं? पैरासाइट पेंडिंग। आज के लेक्चर में क्या पढ़ोगे आप? एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। और इन सभी पैरासाइट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है पैरासाइटोलॉजी में? प्लाज्मोडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स सबसे, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासाइट है। नेक्स्ट देखिए, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। तो द कॉमन नेम फॉर एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स इज राउंड वर्म, यानी एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स का जो कॉमन नेम है वो क्या नाम है? राउंड वर्म। इट हैज़ ए वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इसका पूरी दुनिया में प्रेजेंट होना पॉसिबल है, यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ है ये। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल नेमटोड पैरासाइटिंग मैन, यानी ये मैंस के अंदर क्या है कि लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, यानी काफ़ी बड़ा पैरासाइट है जो मैन की इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है, नेमटोड। द अडल्ट वर्म लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन जेजिनम ऑफ मैन, यानी जो अडल्ट वर्म है, यानी जो एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स की जो अडल्ट फॉर्म है, वो किसके अंदर प्रेजेंट रहती है? तो ह्यूमंस के स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजिनम के अंदर प्रेजेंट होती है मेंस के। तो ये क्या है? एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स की जनरल इन्फॉर्मेशन है, यानी क्या है उसका कॉमन नेम तो क्या होता है? राउंड वर्म होता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन यानी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट है यानी काफ़ी बड़ा पैरासाइट होता है, पैरासाइट्स के अंदर सबसे बड़ा होता है। अडल्ट वर्म किसके अंदर प्रेजेंट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ह्यूमंस की। नेक्स्ट क्या है? मॉर्फोलॉजी। तो अडल्ट वर्म के अंदर मॉर्फोलॉजी देखिए, इनकी अडल्ट फॉर्म की कैसी मॉर्फोलॉजी होती है? इट इज एलोंगेटेड एंड राउंडेड इन शेप एंड टैपर्स एट बोथ हैंड। एलोंगेटेड यानी लंबे होते हैं, राउंड यानी गोल होते हैं, यानी लंबी और गोल इनकी स्ट्रक्चर होती है। टैपर्स एट बोथ हैंड यानी इनके जो दोनों किनारे होते हैं, टैपर्स का मतलब है वो धीरे धीरे क्या है, बिल्कुल पतले होते जाते हैं, यानी अंत के अंदर एक पॉइंट बन जाते हैं। टैपर्स का मतलब होता है धीरे धीरे कोई पतली होती है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, द माउथ ओपन्स एट द एंटीरियर एंड, पजेस थ्री लिप्स, यानी माउथ कहाँ पर ओपन होता है इनका? एंटीरियर यानी अग्रिम, यानी आगे की तरफ जो मुंह है उसकी तरफ आगे के हिस्से पे इनका माउथ प्रेजेंट होता है, मुंह प्रेजेंट होता है। पजेस थ्री लिप्स, और जिसके अंदर क्या है कि तीन लिप्स प्रेजेंट होते हैं, या तीन लिप्स होते हैं एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स में। नेक्स्ट, मेल वर्म्स मेजर अबाउट 15 to 25 centimeters इन लेंथ एंड 3 to 4 mm इन डायमीटर, यानी उनकी लंबाई तो कितनी होती है? 15 to 25 centimeters होती है, और चौड़ाई कितनी होती है? 3 to 4 millimeters होती है। द टेल एंड इज कर्व्ड, यानी इनकी पूंछ का जो एंड है वो वैसे तो टैपर्स होता है बिल्कुल पतला अंत में, लेकिन कैसा होता है? कर्व्ड यानी घुमा हुआ। वेंट्रली इन द फॉर्म ऑफ ए हुक, यानी जनरली अपन देखें तो वह कैसी फॉर्म के अंदर होता है? हुक की जैसी स्ट्रक्चर होती है। टू कर्व्ड कॉपुलेटरी स्पाइकल्स प्रोट्रूड फ्रॉम द क्लोका, यानी दो जो कर्व्ड यानी घूमे हुए कॉपुलेटरी यानी कोई जननांग, यानी मेल्स का जननांग या मेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्पाइकल्स यानी सुई जैसी स्ट्रक्चर, प्रोट्रूड यानी बाहर निकलता है, किससे? क्लोका से। क्लोका यानी एनस जैसी स्ट्रक्चर,
जिसके अंदर क्या है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट होते हैं एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड्स की बॉडी से। तो दो प्रकार के कोपिलेटरी स्पाइकुल्स क्या है, बाहर निकलते हैं किससे, क्लोका से, यानी मेल वर्म के अंदर दो प्रकार के स्पाइकुल्स यानी सुई जैसी स्ट्रक्चर, कोपिलेटरी यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाहर निकलते हैं, प्रोट्रूड यानी बाहर निकलना किसी स्ट्रक्चर से, किससे, क्लोका से। तो अडल्ट वर्म की मॉर्फोलॉजी क्या है कि एलोंगेटेड है, राउंडेड शेप है, टेपर सेट बोन यानी लंबे होते हैं, गोल होते हैं और इनके किनारे बिल्कुल पतले होते हैं धीरे धीरे। इनके इंटीरियर यानी अग्रिम अंग पे क्या प्रेजेंट होता है, तीन लिप्स प्रेजेंट होते हैं और डायमीटर होता है 15 से 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट द एनस अलोंग विद द इजेकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू क्लोका, और जो एनस है वो भी किस में ओपन होता है, वो क्लोका में ओपन होता है। एजुकुलेटरी डक्ट क्या है उसके, क्लोका के अलोंग यानी उसके लंबवत क्या है, समांतर क्या है, प्रेजेंट होती है। फीमेल वर्म इज लॉन्गर एंड स्ट्राउटर देन द मेल वर्म, यानी फीमेल वर्म जो होती है वो लंबी होती है, स्ट्राउटर यानी थोड़ी चौड़ी होती है, किसके कंपेरिजन में, मेल वर्म्स के कंपेरिजन में। द मीजर डायमीटर क्या है इसका, 25 to 40 सेंटीमीटर इन लेंथ, 5 mm इन विड्थ। द टेल एंड इज कॉनिकल एंड स्ट्रेट, और इनकी जो टेल एंड होती है यानी पूंछ का जो अंतिम किनारा होता है, कॉनिकल यानी वो शंकु जैसा होता है, स्ट्रेट यानी सीधा होता है, यानी हुक के जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती मेल वर्म की तरह फीमेल में। नेक्स्ट द एनस ओपन, एनस ओपन डायरेक्टली ऑन द वेंट्रल सरफेस इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रांवर्स स्लिट, यानी क्या है जो एनस है वो कहाँ पे ओपन होता है, तो वेंट्रल सरफेस पे यानी समांतर सरफेस जो है उसके ऊपर ही ओपन हो जाता है सीधा, ट्रांवर्स स्लिट के अंदर या ट्रांवर्स स्लिट जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट द वाल्वा ओपन एट द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर एंड द मिडल थर्ड ऑफ द बॉडी, यानी जो वाल्वा का मतलब क्या है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो बिल्कुल आउटर पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, वाल्वा बोलते हैं। तो वाल्वा का जो जंक्शन है वो कहाँ पे, एंटीरियर यानी समांतर या अग्रिम पोर्शन में क्या है वो बनता है, एंड मिडल थर्ड ऑफ द बॉडी यानी बॉडी के तीसरे हिस्से में। नेक्स्ट द पार्ट ऑफ द वर्म इज नैरो एंड इज कॉल्ड वाल्वर विस्ट, और जो नैरो पार्ट होता है यानी पतला पार्ट होता है किसका, बिल्कुल थिन पार्ट होता है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स में फीमेल वर्म का, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, वाल्वर विस्ट बोलते हैं। तो ये क्या है, फीमेल वर्म्स की स्ट्रक्चर है। यानी फीमेल वर्म कैसी होती है, लॉन्गर होती है, स्टाउटर होती है, डायमीटर होता है 25 से 40 सेंटीमीटर, 5 mm क्या होती है, विड्थ होती है। टेल एंड इनका कॉनिकल यानी शंकु जैसा होता है, स्ट्रेट यानी सीधा होता है, इनके अंदर एंड्स डायरेक्ट समतल या वेंट्रल सरफेस के ऊपर ओपन होता है। नेक्स्ट देखिए तो क्या है कि ए मैच्योर फीमेल एस्केरिस मे हैव एनॉर्मस एग लेइंग कैपेसिटी, यानी एक मैच्योर एस्केरिस के अंदर फीमेल एस्केरिस की क्या कैपेसिटी होती है, एनॉर्मस यानी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वो एग्स लेइंग कैपेसिटी यानी एग्स को रिलीज कर सकती है, लिबरेटिंग अबाउट 2 lakhs एग वैली, यानी लगभग एक दिन के अंदर वो 2 lakh के समथिंग अंडे के एक्सक्रीट करती है एग्स को। नीचे स्ट्रक्चर देखिए कि फीमेल जो वर्म है वो ज़्यादा लंबी है, यानी उसके अंदर क्या दिखाया गया, फीमेल गोनोपोर, माउथ दिखाया गया, एक्सक्रीटरी पोर दिखाया गया और एंस दिखाया गया और टेल दिखाई गई है, और मेल वर्म क्या है थोड़ी छोटी है उस, और मेल वर्म के अंदर क्या क्या दिखाया गया, आपको माउथ दिखाया गया, एक्सक्रीटरी पोर दिखाया गया, लेटरल लाइन दिखाई गई है और क्या है, क्लोका दिखाया गया है या पेनाइलस स्पाइकल्स दिखाए गए हैं, और क्या है इसके मेल वर्म की पूंछ की स्ट्रक्चर कैसी, टेल की हुक जैसी। नेक्स्ट देखिए एग्स, द एग्स आर पजस्ड आउट ऑफ द ह्यूमन होस्ट विद फीसिस, यानी ह्यूमन की बॉडी से एग्स किसके साथ बाहर निकलते हैं, फीसिस के साथ, क्योंकि वो इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है एस्केरिस, इसलिए। एग्स आर टू टाइप, यानी एग्स दो हैं उसके दो प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइज एग एंड द अनफर्टिलाइज एग, यानी एक तो फर्टिलाइज एग होते हैं और एक अनफर्टिलाइज एग होते हैं, यानी जब मेल और फीमेल के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटीज हो जाती हैं उसको कारण तो फर्टिलाइज एग डेवलप होते हैं, जब नहीं होती उनका कॉन्टैक्ट नहीं होता सेक्सुअल कॉन्टैक्ट तो अनफर्टिलाइज एग डेवलप होते हैं। फर्टिलाइज एग देखिए तो इट इज़ राउंड और ओवल शेप, मेजरिंग 16 to 75 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 40 to 50 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ,
यानी जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, गोल ओवल या अंडाकार शेप के होते हैं। उनका डायमीटर कितना होता है, 60 से 75 माइक्रोमीटर और 45 से 50 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, इट इज़ बाइल स्टेन्ड एंड दस ब्राउनिश कलर। इनको बाइल के द्वारा स्टेन कर सकते हैं और कैसे कलर के दिखाई देंगे आपको, ब्राउनिश कलर के। इट इज सराउंडेड बाई ए थिक ट्रांसल्यूसेंट सेल विद एन आउटर एल्बुमिनस कोट इन द फॉर्म ऑफ रूगोसाइट। यानी जो क्या है, इट इज़ सराउंडेड बाई ए थिक यानी एक मोटी चौड़ी ट्रांसल्यूसेंट सेल या आउटर कवर से, क्या है, आउटर एल्बुमिनस कोट से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, रूगोसाइट्स बोलते हैं। द आउटर कोट इज समटाइम्स लॉस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, डिकोर्टिकेटेड एग। और ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिकोर्टिकेटेड क्या एग क्या होता है, कि जब एस्केरिस ल्यूम्ब्रेकोइड्स के फर्टिलाइज एग के अंदर आउटर जो सरफेस नहीं होती, ठीक है, या एल्बुमिनस कोट नहीं होता, तो क्या है उसको क्या बोलते हैं अपन, डिकोर्टिकेटेड एग बोलते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिकोर्टिकेटेड एग क्या होता है, 5 नंबर का। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जब क्या है, फर्टिलाइज एग के अंदर एल्बुमिनस कोट एब्सेंट होता है, बाहरी बाहर का जो सेल वॉल है या जो सेल ट्रांसल्यूसेंट सेल है वो अगर एब्सेंट होगी तो उस एग को क्या बोलते हैं अपन, डिकोर्टिकेटेड एग बोलते हैं, या जिसमें रिगोसाइट्स एब्सेंट हो फर्टिलाइज एग में उसको क्या बोलते हैं, डिकोर्टिकेटेड एग बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट कंटेन्स ए लार्ज सेगमेंट ओवम विद ए क्लियर क्रिसेंट्रिक एरिया एट ए ईच पोल। यानी इट कंटेन्स यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, काफ़ी बड़ा सेगमेंटेड ओवम यानी ओवम यानी कोई फीटस जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है विद ए क्लियर क्रिसेंट्रिक एरिया एट ईच पोल, और प्रत्येक किनारे पे उसके साफ जगह प्रेजेंट होती है। इट फ्लोट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट, और ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कॉमन साल्ट्स का, उसमें फ्लोट यानी तैरता है फर्टिलाइज एग। नेक्स्ट देखिए, अनफर्टिलाइज एग्स, तो द फीमेल इवन इफ नॉट फर्टिलाइज कैन प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज एग्स। यानी जब फीमेल फर्टिलाइजेशन नहीं करती है या फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर नहीं होती है तो कैसे एग्स प्रोड्यूस करती है वो, अनफर्टिलाइज एग्स। और ये कंडीशन कब होती है, कि जब एडल्ट वर्म एब्सेंट हो। नेक्स्ट, इट इज़ नैरो एंड लॉन्गर मेजरिंग 80 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 50 माइक्रोमीटर इन ब्रेथ। यानी ये लंबे होते हैं, पतले होते हैं और लंबे होते हैं। डायमीटर कितना होता है, 80 माइक्रोमीटर तक लंबाई, 55 माइक्रोमीटर चौड़ाई। इट इज़ बाइल स्टेन एंड ब्राउनिश इन कलर, यानी ये बाइल के द्वारा स्टेन किए जा सकते हैं और बाइल के अंदर स्टेन करने के बाद कैसे कलर के होंगे, ब्राउन कलर के। इट हैज़ ए थिनर सेल विद ए इरेगुलर कोटिंग ऑफ एल्बुमिन, और इनके बाहर की जो सेल है वो थिनर यानी पतली होती है फर्टिलाइज एग के कंपेरिजन में, और इसके ऊपर क्या है, इरेगुलर कोटिंग रहती है यानी कहीं पे होती है कहीं पे एब्सेंट होती है एल्बुमिन की। इट कंटेन्स स्मॉल एटोरफिड ओवम, और इसके अंदर क्या है कि छोटा सा एटोरफिड ओवम होता है यानी जो प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ। तो अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइज एग्स के अंदर डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, किसके अंदर, एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स में, इसलिए इतना डिटेल में बताया है। और रिकोर्टिकेटेड एग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी ऑफलाइन क्लासेस में उन पैरासाइट के सारे क्वेश्चंस बता दिए थे आपको, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासाइट 3 है टोटल, एक तो प्लाज्मोडियम, एक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका और एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स। नेक्स्ट देखिए कि इट डज नॉट फ्लोट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए कॉमन साल्ट, यानी जो अनफर्टिलाइज एग है वो कभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर फ्लोट यानी तैरता नहीं है क्योंकि ये हैवी होता है। नीचे स्ट्रक्चर देखिए कि एक तो फर्टिलाइज एग है यानी जिसके ऊपर बाहरी स्ट्रक्चर के ऊपर एल्बुमिनस कोट प्रेजेंट है गोल्ड कलर का। नेक्स्ट है डिकोर्टिकेटेड एग, जिसमें गोल्ड कलर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है यानी एल्बुमिन का जो कोट है वो एब्सेंट है, डिकोर्टिकेटेड एग है वो। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनेटेड एग यानी जिसमें एम्ब्रियो प्रेजेंट हो एस्केरिस का। और लास्ट में क्या है, अनफर्टिलाइज एग यानी जो क्या है बिल्कुल एक तरीके से क्लियर है, लो यानी क्लीन है बिल्कुल साफ। तो ये चार स्ट्रक्चर है इसके एग्स की जो आपको बनानी है।
यानी अभी तक एस्केरिस की स्ट्रक्चर और एस्केरिस के एग्स की स्ट्रक्चर, दोनों चीज़ें आपको नोट्स के अंदर बनानी है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइफ साइकिल यानी जीवन काल या जीवन चक्र। द लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस कंप्लीट इन सिंगल होस्ट, यानी जो एस्केरिस है अपना जीवन चक्र केवल एक ही होस्ट के अंदर पूरा करता है ह्यूमंस के अंदर। एडल्ट वर्म लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी अडल्ट वर्म है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट देखिए स्टेज फर्स्ट, तो एग्स इन फीसिस, यानी एग्स किस में रिलीज हो रहे हैं, फीसिस के अंदर। नेक्स्ट सेक्सुअली मैच्योर्ड फीमेल प्रोड्यूस एज मैनी एज 2 लाख एग पर डे, यानी जो सेक्सुअली और मैच्योर यानी परिपक्व जो फीमेल है वो लगभग 2 लाख अंडे पर डे प्रोड्यूस करती है, रिलीज करती है। विच आर सेड अलोंग विद फीसिस इन अनएम्ब्रियोनेटेड फॉर्म, और जो क्या है फीसिस के अंदर अनएम्ब्रियोनेटेड फॉर्म के अंदर बाहर रिलीज हो जाती है, यानी अनएम्ब्रियोनेटेड यानी जिसमें एम्ब्रियो अभी तक डेवलप नहीं हुआ। दे आर नॉन इन्फेक्टिव, और ये जो स्टेज होती है एग्स की यानी अनएम्ब्रियोनेटेड जो फॉर्म होती है उस टाइम पे वो क्या है नॉन इन्फेक्टिव होती है, यानी इन्फेक्शन कोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए स्टेज सेकंड, डेवलपमेंट इन सोइल यानी सोइल्स यानी मिट्टी के अंदर डेवलपमेंट होता है। तो एम्ब्रियोनेशन अकर इन सोइल एज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 20-25 डिग्री सेल्सियस विद सफिशियंट मॉइस्चर एंड O2, यानी एम्ब्रियोनेशन कब होता है कि जब सोइल यानी मिट्टी के अंदर या तो ऑप्टिमम टेम्परेचर हो यानी 20-25 डिग्री सेल्सियस और सफिशियंट ऑक्सीजन और नमी प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इन्फेक्टिव लार्वा डेवलप्स विद इन एग इन अबाउट 3-6 वीक्स, यानी इन्फेक्टिव जो लार्वा की फॉर्म है यानी अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स फॉर्म से वो इन्फेक्टिव फॉर्म में कितने दिन में कन्वर्ट होता है, तो 3-6 हफ्तों के अंदर, वीक्स के अंदर। तो अभी तक आपने दो स्टेज पढ़ी, एक तो एग्स इन फीसिस और एक क्या है डेवलपमेंट इन सोइल, यानी पहले तो वो क्या है कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के विधा बिना यानी फीमेल क्या है कि मैच्योर एक फीमेल जो है वो एग्स रिलीज करती है इंटेस्टाइन में, और वो इंटेस्टाइन से किस में चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन से, और वहाँ से क्या है वो सोइल में रिलीज हो जाते हैं, और सोइल में फिर क्या है उनका डेवलपमेंट होता है। फिर थर्ड स्टेज क्या है, स्टेज थर्ड ह्यूमन इन्फेक्शन एंड लिब्रेशन ऑफ लार्वा, यानी ह्यूमन गेट इन्फेक्शन विद इंजेशन ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी ह्यूमन्स को इन्फेक्शन कब होता है कि जब वो क्या है एम्ब्रियोनेटेड एग को इंजेस्ट कर लेते हैं यानी डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको निगल लेते हैं किसके द्वारा, कंटामिनेटेड फूड या वाटर के साथ। तो इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी है एस्केरिस लिम्ब्रिकॉइड की, तो एम्ब्रियोनेटेड एग। ये आपको आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया एक बार, इसलिए आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए। नेक्स्ट विद इन एम्ब्रियोनेटेड स्टेट इनसाइड एग फर्स्ट स्टेज लार्वा डेवलप इनटू सेकंड स्टेज लार्वा, यानी जो एम्ब्रियोनेटेड स्टेट है जो पोजीशन है अवस्था है वो क्या है इनसाइड यानी ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में फर्स्ट स्टेज डेवलपमेंट से किस में चली जाती है, सेकंड स्टेज डेवलपमेंट के अंदर या सेकंड स्टेज लार्वा के अंदर। दिस सेकंड स्टेज लार्वा इज नोन एज रेबिडिटी फॉर्म लार्वा, और ये जो सेकंड स्टेज है लार्वा की उसको क्या बोलते हैं, रेबिडिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि रेबिडिटी फॉर्म लार्वा क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एग पहले फीसिस में रिलीज होते हैं फिर सोइल में डेवलपमेंट होता है उनका, यानी अनएम्ब्रियोनेटेड से एम्ब्रियोनेटेड बनते हैं, फिर ह्यूमंस के अंदर इंजेस्ट होने के बाद वो फर्स्ट स्टेज डेवलपमेंट से सेकंड स्टेज डेवलपमेंट चले जाते हैं, जिस सेकंड स्टेज डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं, रेबिडिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टेज लार्वा इज स्टिमुलेटेड टू हटैच आउट बाय द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन pH इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी सेकंड स्टेज के जो लार्वा हैं वो अपने एग से बाहर निकल जाते हैं किसके कारण, एल्केलाइन pH की प्रेजेंस के कारण स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड सोल्युबलाइजेशन ऑफ इट्स आउटर लेयर बाय बाइल, और इनकी जो आउटर लेयर्स है एग्स की उसको क्या है कि सोल्युबल यानी मिक्स कर लिया जाता है किसके द्वारा, बाइल के द्वारा, बाइल जूस के द्वारा। तो ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन कैसे होता है कि उनकी
इन्फेक्टिव फॉर्म यानी एम्ब्रियोनेटेड एग के द्वारा होता है, वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर के साथ अंदर निकल लिए जाते हैं तब होता है। और अंदर जाने के बाद वो लार्वा का फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में डेवलपमेंट होता है, जिसको रैबिडिटी फॉर्म बोलते हैं, और फिर वो रिलीज होते हैं, अपने एग से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट स्टेज फोर्थ, माइग्रेशन ऑफ लार्वा थ्रू लंग्स, यानी लार्वा लंग्स तक कैसे पहुँचते हैं और लंग्स से वापस कैसे जाते हैं। तो हिटेच आउट लार्वा पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल, यानी जो बाहर निकले हुए लार्वा हैं वो इंटेस्टाइन की वॉल को यानी दीवार को या लेयर को क्या है पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाते हैं। एंड कैरीड आउट टू लीवर थ्रो पोर्टल सर्कुलेशन, और पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा वो किस में पहुँच जाते हैं, लीवर के अंदर। इट देन ट्रेवल्स बाय अ ब्लड टू हार्ट, और तब क्या ये ब्लड के द्वारा किस में जाते हैं, हार्ट के अंदर। एंड टू लंग्स, और फिर किसके द्वारा, हार्ट से किस में चले जाते हैं, लंग्स के अंदर। बाय पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा, विद इन 4 to 7 days ऑफ इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन होने के 4 to 7 दिन के अंदर। द लार्वा इन लंग्स मोल्ड्स ट्वाइस एंड लार्ज एंड ब्रेक्स इन टू एल्विलाई, और वो जो लार्वा है लंग्स के अंदर क्या है कि मोल्ड्स ट्वाइस दोनों चले जाते हैं और एनलार्ज कर देते हैं या फिर अपनी शेप के अंदर डेवलपमेंट करते हैं, और एल्विलाइज के अंदर क्या है ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी उनकी स्ट्रक्चर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। स्टेज देखिए फिफ्थ, री एंट्री टू स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी क्या है कि वो जो लार्वा माइग्रेशन करके इंटेस्टाइन से लंग्स में गए थे वो वापस कैसे आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में या स्टमक में। तो फ्रॉम एल्विओलाई द लार्वा देन पास अप थ्रू ब्रोंकी, यानी वो एल्विओलाई से किस में पहुंच जाते हैं, ब्रोंकियोल्स के अंदर। एंड इनटू ट्रेकिया, और ब्रोंकियोल से किससे, ट्रेकिया के अंदर। एंड देन स्वॉल्व्ड, और फिर वहां से क्या है वो निगल लिए जाते हैं वापस। नेक्स्ट देखिए कि द लार्वा पासिस डाउन द इसोफेगस, यानी लार्वा फिर किससे पास होते हो, किस में चले जाते हैं, नीचे इसोफेगस के अंदर टू द स्टमक, और इसोफेगस से किस में, स्टमक के अंदर। एंड रीचड इन टू स्मॉल इंटेस्टाइन, और वंस अगेन और वापस किस में पहुंच जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ एस्केरिस एंड इट्स कॉलोनीज हेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है कि ये नॉर्मल हैबिटेट, इनका नॉर्मल आवास है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स का, इनके कॉलोनीज होती है यहाँ पे। विद इन इंटेस्टाइन पैरासाइट मोल्ड्स ट्वाइस एंड मैच्योर इनटू अडल्ट वर्म, और ये इंटेस्टाइन पैरासाइट्स क्या है, मोल्ड ट्वाइस यानी डेवलपमेंट होता है इनके अंदर, दोनों के अंदर साथ साथ, और मैच्योर यानी मैच्योर अडल्ट वर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी मैच्योर अडल्ट वर्म यानी फीमेल और मेल वर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। सेक्सुअल मैच्योरेशन अकर विद इन 6 to 8 weeks, और इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन कितने दिन के अंदर अकर हो जाता है, तो 6 to 10 हफ्तों के अंदर। एंड द मैच्योर फीमेल डिस्चार्ज इट्स एग इन इंटेस्टाइनल ल्यूमन, और जो मैच्योर फीमेल है वो अपने एग्स को डिस्चार्ज किस में करती है, इंटेस्टाइन के ल्यूमन्स के अंदर। एंड एक्सक्रीट अलोंग विद फीसिस, और वो फीसिस के साथ बाहर निकल जाती है ह्यूमन बॉडी से। कंटिन्यू द लाइफ साइकिल, और यहाँ से फिर वापस क्या है, लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। अपन ने पहली स्टेज क्या पढ़ी थी, फीसिस इन एग, सॉरी एग्स इन फीसिस, और वहाँ पे आके क्या ये लाइफ साइकिल खत्म हो गई। द लाइफ स्पान ऑफ द पैरासाइट इज 12 to 18 months, और इनकी लाइफ स्पान यानी इनका जीवन काल कितना होता है, 12 to 18 months। तो ये 5 stages आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि 20 number के अंदर एस्केरॉइड्स ल्यूम्ब्रिकॉइड्स की लाइफ साइकिल पूछी जाती है। अभी तक एंट अमीबा स्टिलाइटिका की आई है और प्लाज्मोडियम की आई है, तो इसलिए क्या है एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स के चांसेस ज्यादा हैं।
नेक्स्ट देखिए लाइफ साइकिल का चार्ट है राउंड वर्म का। तो सबसे पहले देखिए एग्स कंटेनिंग रेबिडिटी फॉर्म लार्वा, यानी क्या है, एग्स कैसी रेबिडिटी फॉर्म के साथ लार्वा किस में प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है इंटेस्टाइन के अंदर, इंजेस्टेड बाय मैन, मैंस के द्वारा इंजेस्ट किए जाते हैं। रेबिडिटी फॉर्म किस में प्रेजेंट होती है, सॉरी सॉइल के अंदर, फिर वो किसके अंदर इंजेस्ट की जाती है, मैंस के अंदर। लार्वा लिबरेटेड, और लार्वा क्या है, सेकेंड स्टेज से बाहर निकल जाते हैं, यानी अपने एग्स से बाहर निकल जाते हैं, और एग्स क्या है, सोल्यूबल कर लिए जाते हैं बाइल के द्वारा। नेक्स्ट लार्वा पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन, लार्वाज जो हैं वो इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करते हैं, सर्कुलेशन के द्वारा किस में पहुंच जाते हैं, लीवर के अंदर, और लीवर से किसके अंदर, लंग्स के अंदर, ब्रोंकियोज के अंदर और ट्रेकिया के अंदर, ट्रेकिया से किस में आते हैं, लैरिंग्स और फेरिंग्स के अंदर। लार्वा स्वाल्व्ड एंड द रीच इंटेस्टाइन, लार्वा को वापस निगल लिया जाता है, स्वाल्व यानी निगल लिया जाता है, और वो वापस कहाँ पहुंच जाते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर। एडल्ट वर्म्स इन द इंटेस्टाइन, और फिर क्या है, उनके अंदर डेवलपमेंट होता है ट्वाइज, यानी दोनों के अंदर, यानी मेल और फीमेल के अंदर, और एडल्ट वर्म्स डेवलप होते हैं किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। एग्स इन फीसिस, और फिर क्या है, एग्स वापस फीसिस के अंदर रिलीज होते हैं, और फिर क्या है, एग्स किस में, फीसिस के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर और कंडीशंस के अंदर डेवलप होते हैं, डेवलप इन सोइल यानी मिट्टी में, और मिट्टी में डेवलपमेंट होने के बाद उनमें कौन सी फॉर्म आ जाती है, रेबिडिटी फॉर्म यानी इन्फेक्टिव फॉर्म। तो ये लाइफ साइकिल क्या है, कंटिन्यू चलता रहता है इसका, इस लिम्ब्रिकोल्ड्स का। तो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन, पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस ऑफ राउंड वर्म या एस्केरिस लिम्ब्रिकोइड्स, यानी वो डिजीज कैसे कोज करते हैं, कब कोज करते हैं। नेक्स्ट है सॉरी मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ इन्फेक्शन में देखिए इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है इनकी, तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स होते हैं, यानी रेबिडिटी फॉर्म होती है लार्वा की। पोर्टल ऑफ एंट्री क्या होती है, तो एलिमेंट्री कनाल, यानी इंजेस्ट किए जाते हैं कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा। और साइट ऑफ लोकेशन क्या होती है, यानी जहाँ पे इन्फेक्शन कोज करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तीन क्या है, वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर, इसीलिए। नेक्स्ट देखिए पैथोजेनेसिस, तो इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स इज नोन एज एस्केरिस एस्केरियसिस, यानी जो एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स का जो इन्फेक्शन होता है उसको किस नाम से जानते हैं अपन, एस्केरियसिस के नाम से। द सिम्टम्स मे बी ड्यू टू माइग्रेटिंग लार्वा और ड्यू टू एडल्ट वर्म, तो इसके इन्फेक्शन के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो या तो क्या है, जो लार्वा है माइग्रेशन करता है, यानी उसकी इंटेस्टाइनल की वॉल को पेनिट्रेट करता है पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा लीवर में, लीवर से हार्ट में, और हार्ट से लंग्स के अंदर। माइग्रेशन के टाइम पे इससे सिम्टम होते हैं, या अडल्ट वर्म डेवलप हो जाते हैं तब क्या इसके साइन एंड सिम्टम डेवलप होते हैं। प्रेजेंस ऑफ लार्वा इन द लंग्स मे बी लीड टू सिम्टम ऑफ न्यूमोनिया, और जब क्या इसकी लार्वा फॉर्म किस में प्रेजेंट हो, लंग्स के अंदर, तो न्यूमोनिया के सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इफ़ द एस्केरिस लार्वा रीच अदर ऑर्गन दे मे बी सेटअप क्लिनिकल सिम्टम्स रिलेटेड टू दिस ऑर्गन, या फिर क्या एस्केरिस का जो लार्वा है वो अलग किसी ऑर्गन्स में पहुंच गया, तो क्या है उस ऑर्गन से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स रिलीज होना या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अगर एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स की लैब डायग्नोसिस पूछते हैं तो उसके अंदर आपको क्या है कि इसका लाइफ साइकिल और लाइव डायग्नोसिस दोनों चीज़ें डिस्क्राइब करनी होंगी।
नेक्स्ट है लैब डायग्नोसिस। तो क्या है, स्टूल एग्जामिनेशन यानी फीसिस में रिलीज होते हैं एग्स, तो स्टूल की एग्जामिनेशन करते हैं। तो अडल्ट वोरम्स ऑफ एग्स में भी डिमॉन्स्ट्रेटेड, यानी अडल्ट वोरम के जो फीमेल अडल्ट वोरम के जो एग्स हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं किसके अंदर, फीसिस के अंदर। एग्स कैन बी डिटेक्टेड बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, और जो ये एग्स होते हैं इनको डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं स्टूल के स्पेसिमेन का आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ द सेम, और कंसंट्रेशन क्या है, सिमिलर होगी इनकी। नेक्स्ट, बेरियम मील मे ओकेजनली डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट वर्म इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी बेरियम मील एक प्रोसीजर होता है उसके द्वारा भी अपन ओकेजनली क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट पता लगा सकते हैं कि अडल्ट वर्म प्रेजेंट है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट है सीरो डायग्नोसिस। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स कैन बी डिटेक्टेड, यानी क्या है कि एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड्स के अगेंस्ट यानी उसके विरुद्ध एंटीबॉडीज डिटेक्ट की जा सकती है ह्यूमंस के अंदर। दीज टेस्ट आर यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एस्केरियसिस, यानी ये क्या है, टेस्ट किस चीज़ के लिए काम में आते हैं कि इंटेस्टाइन के अलावा अगर कहीं डिजीज हो एस्केरिस ल्यूम्ब्रिकोइड से रिलेटेड, यानी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एस्केरियसिस डिजीज हो या अदर ऑर्गन के अंदर, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या है, सीरो डायग्नोसिस को कर सकते हैं। और सीरो डायग्नोसिस में आप लिख सकते हो इसमें डिटेल में कि एलाइजा को काम में ले सकते हैं एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए, पीसीआर को काम में ले सकते हैं, या लेटेक्स एग्लूटिनेशन रिएक्शन को काम में ले सकते हैं, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को काम में ले सकते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी स्टेनिंग करके, उसकी स्मियर प्रिपेयर करके, या फिर क्या है उसकी मोटिलिटी चेक कर सकते हैं अपन, किसके द्वारा, उसके लार्वा की मोटिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन मेथड से। तो ये सारी चीज़ें बैक्टीरियोलॉजी में लैब डायग्नोसिस आपने अच्छे से पढ़ी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप एडिशनल ऐड करना चाहते हो किसी भी पॉइंट के, किसी भी बैक्टीरिया की या फिर किसी वायरस की लैब डायग्नोसिस में, तो ऐड कर सकते हो आपकी इच्छा से। बाकी जो लिखवाया गया है वो सफिशियंट है एग्जाम्स के लिए भी और आपकी प्रिपरेशन के लिए भी। तो अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो टीचर से कॉन्टैक्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर है, तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन हुक वर्म्स, यानी हुक वर्म्स के ऊपर, यानी एनसाइलोस्टोमा ड्यूडेनली पे है। यानी आज क्या पढ़ा, राउंड वर्म, कल के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, हुक वर्म्स, और हुक वर्म पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पैरासाइटोलॉजी, यानी पैरासाइटोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। उसके बाद आपकी माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। तो बाकी के सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो ही चुके हैं, बायोकेमिस्ट्री और हिस्टोपैथोलॉजी और एनवायरमेंट, तो माइक्रोबायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए क्या, अच्छे तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर यूर प्रिपरेशन। थैंक्स टू ऑल।